कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा ऑन बिहाफ ऑफ ऑरेंज न्यूज। आज 21 जून ट्यूजडे 2022, तो मैं अपने सिटीजन को रूबरू कराना चाहता था जो फोर्थ कमिंग प्रेसिडेंट इलेक्शन है, और ये हमारा 16th प्रेसिडेंट इलेक्शन है। अब जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट होंगे वो हिंदुस्तान की आजादी के बाद के 16वें प्रेसिडेंट होंगे। अलबत्ता सिटीजन ने गौर ही नहीं करे कि लास्ट 15 जून वेडनेसडे 2022 को इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया था कि इंडिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे। इसका जो नॉमिनेशन फॉर्म है, जो लास्ट डेट है फॉर्म की, वो 29 जून 2022 है। उसके बाद नेक्स्ट डे उसका स्क्रूटनी होगा नॉमिनेशन फॉर्म का, अगर उसमें कुछ खामी है वगैरह चेक किया जाएगा, वो है 30 जून 2022। और लास्ट डेट नॉमिनेशन फॉर्म जो है, विड्रावल जो कैंडिडेट का फॉर्म है उसकी विड्रावल की लास्ट डेट है 2 जुलाई। इलेक्शन जो होगा 18 जुलाई मंडे 2022 को होगा, और एग्जैक्टली आज से एक महीने बाद यानी 21 जुलाई थर्सडे 2022 को हमारे सामने हमारा 16th प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मैं बच्चों को, सिटीजन को बताना चाहता हूं कि ये इलेक्शन किस तरीके से होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका इल्म ही नहीं है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कलीग कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स। राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और लोकसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इसमें वोट कास्ट करते हैं। साथ ही साथ जितने भी हिंदुस्तान के मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए है, साथ ही साथ 28 स्टेट के इलेक्टेड मेंबर्स है, एमएलए है, यूनियन टेरिटरीज ऑफ न्यू दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये सब टोटल जो 776 एमपी और 4120 एमएलए, ये लोग कास्ट करते हैं, वोट कास्ट करते हैं। और उसके बाद जो हिंदुस्तान का है प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि ये जो सिस्टम है इसमें टोटल जो वोट कास्ट होते हैं 10,98,903, और जिस कैंडिडेट को मेजोरिटी मिलती है 5,49,452, तो वो कैंडिडेट इलेक्ट होता है और वो हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बनता है। यशवंत सिन्हा, इनका जन्म 6 नवंबर 1937 बिहार में हुआ था, और ये 1960 में इन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इन शॉर्ट आईएएस, पास किए थे, और इन्होंने 24 साल डिफरेंट पोस्ट पे काम करे। बाद में इन्होंने 1984 में आईएएस की सर्विस से रिजाइन दिए थे, और ये एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए थे। ये मेंबर थे, जनता पार्टी के मेंबर थे। इनको अपॉइंट किया गया था ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी इन द ईयर 1986, और ये राज्यसभा के मेंबर भी बने थे 1988 में। उसके बाद यशवंत सिन्हा ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर है इन द अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट, और यशवंत सिन्हा नेशनल स्पोक पर्सन बने थे बीजेपी के जून 1996 में। उसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर बने मार्च 1998 में, जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यशवंत सिन्हा ने रिटायरमेंट ले लिए थे सारी पॉलिटिक्स से। एक फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था पटना में ईयर 2018 में, मगर 2021 में जस्ट बिफोर द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन इन्होंने ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किए थे एज ए वाइस प्रेसिडेंट, और लास्ट ट्यूजडे उन्होंने पार्टी छोड़ दिए, और इस वक्त ये अपोजिशन जो पार्टी है पूरे हिंदुस्तान की, इसके ये इकलौते पिकअप पे फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यशवंत सिन्हा ने नीलिमा से शादी की थी, इनके दो लड़के और एक लड़की है।
यशवंत सिन्हा के नाम पे सारी अपोजिशन पार्टी इंक्लूडिंग शरद पवार, सोनिया गांधी सब ने मोहर लगाए कि हमारा जो नेता होगा, अपोजिशन का जो नेता होगा, प्रेसिडेंट का जो कैंडिडेट होगा वो यशवंत सिन्हा होंगे, क्योंकि इनके पास वास्ट एक्सपीरियंस है, पॉलिटिक्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। और अभी जो ये इलेक्शन है जिसके लिए बहुत कम दिन बाकी है, लेकिन आज तक इलेक्शन जो 18 जुलाई 2022 को होगा और जिसका रिजल्ट अगले महीने 21 जुलाई थर्सडे 2022 को डिक्लेयर होगा, लेकिन आज तक बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का नाम जाहिर नहीं की। प्रेसिडेंट इलेक्शन हिंदुस्तान के तौर पर बहुत बड़ा है, 16 प्रेसिडेंट का सिलेक्शन होगा और जो लास्ट हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, ये अभी इनका ये जो टेन्योर है 5 साल का पूरा हो रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि यशवंत सिन्हा पे ही मोहर लगे, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और ये बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स जानते हैं और ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, बहुत ऊंचे ऊंचे अहदे पे काम करे, आईएएस ऑफिसर भी है थे, तो ये हम उम्मीद करते हैं कि यशवंत सिन्हा ही जीते, ताकि जो एक अफरा तफरी चल रही है देश में, जैसा कि अग्निपथ के बारे में चल रहा है, वन रैंक वन पेंशन के बारे में चल रहा है, किसानों के बारे में चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, तो ये प्रेसिडेंट जो होता है हम उम्मीद करते हैं कि ये रबर स्टाम्प ना रहे, जैसे आज तक हिंदुस्तान की तारीख में प्रेसिडेंट जस्ट है रबर स्टाम्प था और सारे अख्तियार प्राइम मिनिस्टर को दे, जो इस वक्त नरेंद्र मोदी, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा अगला प्रेसिडेंट रबर स्टाम्प ना साबित होए और वो पूरे देश की बागडोर अपने हाथ में ले, ताकि देश में अमन और सुकून रहे। आमीन सुम्मामी। फ्रेंड्स, इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज वैल्यूएबल देन प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू।